मकर संक्रांति से प्रयागराज में कुंभ की पावन डुबकी शुरू हो जाएगी। कुंभ की शुरुआत से करीब एक महीने पहले पीएम मोदी खुद प्रयागराज में पधार रहे हैं। दुनिया को कुंभ में आने का न्योता दे चुके पीएम मोदी खुद प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लेंगे। वो कुंभ मेले के लिए यहां बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। दरअसल दो अलग अलग इस तरह के क्रूज तैयार किए गए हैं, जिसमें एक में प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे क्रूज पे तमाम उनके अधिकारी और सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे, और दोनों ही जो क्रूज हैं उनको एक साथ जोड़ के संगम तट पर रखा जाएगा, जहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। और तो अब ये क्रूज तैयार है, 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जब नैनी में उतरेंगे अपने हेलीकॉप्टर से, उसके बाद इसी क्रूज से उनको संगम तट लाया जाएगा और वहां वो पूजा अर्चना करेंगे। मोदी के लिए संगम तट पर एक खास पोडियम बनाया गया है, जहां से वो गंगा पूजन करेंगे। बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट में भी वो पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही संतों के साथ भेंट भी करेंगे। मोदी यहाँ करीब 45 मिनट का वक्त बिताएंगे। प्रयागराज में संगम तट पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यवस्था की गई है, जहां वो पहुंचेंगे पूजा अर्चना के लिए, यही वो जगह है। तैयारियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और अब यहां इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि कब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। यहां देखिए, संगम तट पर ये वो ख़ास तौर पर ये जगह तैयार की गई है, जहाँ नैनी में हेलीपैड से उतरने के बाद क्रूज से प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ वो अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा देखी जा रही है। जिस पोडियम से मोदी गंगा पूजन करेंगे, वहाँ भी सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। ये व्यवस्था गुप्त रखी गई है, किसी को मतलब ओपन नहीं किया गया, कैसे क्या होगा, सब काम अटेंडेंट होंगे। हम लोग की जिम्मेदारी यही है कि कोई भी नो एंट्री नहीं है, बाकी ये काम जो है सीक्रेट रहता है, तो ये बताना मुश्किल रहता है कि कब कैसे क्या होगा। संगम तट पर पूजा के बाद पीएम मोदी अंदावा के लिए रवाना हो जाएंगे। अंदावा के निरंकारी आश्रम मैदान में कुंभ को लेकर खास आयोजन किया गया है। कुंभ के कार्यों पर खास प्रदर्शनी तैयार की गई है, साथ ही पेंट माय सिटी नाम की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। मोदी इन प्रदर्शनियों में शिरकत करेंगे। इस दौरान मेकिंग ऑफ कुंभ के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। मेकिंग ऑफ कुंभ के नाम से एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद बारी आएगी कुंभ से जुड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास की। पीएम मोदी यहां से कुंभ से जुड़े करीब 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर कुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रयागराज में इस बार अर्ध कुंभ लग रहा है। किसी एक धर्म स्थल पर हर 12 साल में कुंभ लगता है और 6 साल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में अगले साल होने वाले अर्ध कुंभ की शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है। 14 जनवरी से शुरू होकर अर्ध कुंभ 4 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 3 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति के दिन होगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, प्रयागराज।